नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। आज सावन का पहला सोमवार है और इस बीच हरियाणा के नूह से जल अभिषेक यात्रा सिंगार गांव के लिए रवाना हुई। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा के वाहनों के आगे पीछे भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। नूह से फिरोजपुर छिरका और फिरोजपुर छिरका से बाया बड़कली, पिनंगवा और पुनहाना होते यात्रा सिंगार गाँव पहुँची। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस अलवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। नूह, मालव, राजा का मोड़ और भादा सहित एक दर्जन गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने जल अभिषेक यात्रा पर फूल बरसाकर लोगों को पानी, कोल्ड ड्रिंक और फल खिलाकर जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल लोगों का मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा फूल बरसाकर स्वागत करने और पानी, फल, फ्रूट खिलाने पर मेवात पहुंचे श्रद्धालुओं ने मेवात के लोगों की जमकर तारीफ की और कहा कि इस बार मेवात की जगह जगह और हर इलाके में उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम साउथ सिंह, महेंद्रगढ़ जिला से हूँ। वहाँ का विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष का मेरे पास जिम्मेदारी है और ये जो वातावरण देखने मिला है इससे हमें ऐसा लग रहा है पिछली बार शरारती तत्वों ने इनको बदनाम करने की कोशिश करी है। ऐसा स्वागत हमको जो किया है, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी इस इलाके को, तो उनकी तरफ ना ध्यान में दे करके मैं यही निवेदन करता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोग ऐसे शरारती लोगों को खुद ही सबक सिखाएं। आप तो इस इलाके से पहले भी वाकिफ हो गए, इस इलाके की कैसी वो रही है पहले? पहले ऐसा कुछ नहीं था, मैं 5वीं साल है ये इधर देखते हुए यात्रा। पिछली बार जो थे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर के ही कुछ शरारती तत्वों की योजना थी इस इलाके को बदनाम करने की, जिससे कि भाइयों को फील हो रहा है। अब आप पीछे नूह से चल का रहे हो, जगह जगह आपका सम्मान हो रहा है, पानी, चाय पानी मिल रही है, कैसा लग रहा है? ऐसा माहौल देख करके ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को एक फील कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमें बदनाम किया है, तो इस बात को पीछे करने के लिए, दूर करने के लिए आपसी भाईचारा बढ़ाने की योजना। वहीं सभी के जहन में पिछले वर्ष की तस्वीरें भी उजागर हुई। गत वर्ष कुछ शरारती तत्वों ने जल अभिषेक यात्रा में मेवात में व्यवधान डाला था, लेकिन इस बार पुलिस ने भी बेहद अच्छे इंतजाम किए ताकि किसी भी तरह का उपद्रव या सामाजिक घटना ना हो। जल अभिषेक यात्रा जिन रूट पर होकर निकली थी वहाँ भारी पुलिस बल, पैरामेडिकल फोर्स और भारी संख्या में तैनात रही और असामाजिक तत्वों पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। सुरक्षा के मद्देनजर नूह, मालव, भादस, बड़कली चौक सहित अन्य बाजार और चौक पूरी तरह से बंद रखे गए। जल अभिषेक यात्रा में मौजूद अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मेरा नाम अजब सिंह है, गांव सलानी है सोहना से। जनाब, जो जल अभिषेक यात्रा में आप जा रहे हो और कैसा स्वागत देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है, जगह जगह गांव, हर गांव के स्टैंड पे बढ़िया से स्वागत हो रहा है, भाईचारा बना रहा है क्यों सबने? भाईचारा कायम हो रहा है, कायम हो रहा है भाईचारा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अलवी साहब, हमारा ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा सदियों से चला रहा है, आज से नहीं, हम इनके ब्याह में, शादियों में, हमारे फादर भी, बुजुर्ग भी इनके ब्याह में, शादियों में बराबर कराना जाना लगा रहता था। लेकिन जो पिछले साल ये माहौल ख़राब हुआ है, कुछ शरारती तत्वों ने करा है, जो उसके लिए हमने पिछली बार भी इसमें सहयोग दिया था और हम इसी भाईचारा का आगे मैसेज देने के लिए जो हमने ये पानी का, इसका फूल मालों का इंतजाम किया है, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारा हिंदू मुस्लिम का जो लोगों, हम जाते हैं बाहर गुड़गांव, फरीदाबाद उधर जाते हैं तो लोग दूसरी तरफ से नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस हमारे एरिया में। इस मैसेज को जो पिछली बार ख़राब हुआ था, ये संदेश हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम
मेवात में इस तरह का कोई माहौल नहीं है जो इस तरह का भय बना रखा। कुछ लोगों ने मेवात का बहुत बड़ा भय बना हुआ बाहर मेवात में ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार प्रशासन ने तलवार लाने, हथियार लाने, नारेबाजी करने, डीजे बजाने पर जो पाबंदी लगाई है, तो इससे क्या नहीं महसूस? ये तो पहले भी प्रोग्राम चलते थे, ये पिछले कुछ साल से चला है तलवार का, इसका चाल चलन चला है, ये बिल्कुल गलत है, इसके हम भी खिलाफ हैं। ये चीज धार्मिक भावना से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? हम लोगों से और भाई मेवातियों से ये अपील करना चाहते, हमारा ये भाईचारा है ये आगे भी कायम बना रहे, और इस तरह के लोगों में ये क्या है कि भाईचारा संदेश आगे हम पहुँचाना चाहते हैं इस तरह। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? अमर सिंह, नारनौल का। बाबा, जो यात्रा मुसलमान द्वारा स्वागत किया जा रहा है बीच बीच में, बहुत बढ़िया स्वागत किया मुसलमानों ने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगे, मैंने बहुत अच्छा लगा। जो पिछली बार जो पेरेंट की जो बुद्धि थी वह बुद्धि नहीं अभी, जो पिछली बार जो कुछ शरारती तत्वों ने झगड़ा किया था, या इस बार देख लीजिए कुछ नहीं है, बढ़िया बढ़िया एकदम। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।